आप सबका इस्तकबाले ए9 न्यूज़ चैनल पर। मोहम्मद शुबान को शमशाबाद के ट्रैफिक कांस्टेबल्स ने छोटी सी बात पर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में रखकर बेदर्दी से मारा और 3 दिन तक पुलिस स्टेशन की जेल में रखा गया और साथ में दाढ़ी रखने पर पाकिस्तान को जाने को कहा। पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर ने 3 दिन बाद जेल से रिहा कर दिया। तेलंगाना CMO को चाहिए कि इस पर सख्त एक्शन ले। देखिए ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने ए9 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ए9 न्यूज़। देखिए साहब, मेरे साथ जो है हमारे मोहम्मद सुबान, 28 साल इनकी उम्र है। ये बेचारे जो है ताड़बन में रहने वाले हैं। ये इनके साथ बहुत बुरा वाकया हुआ। मैं मुसलसल जो है कई दिन से ये ट्रैफिक पुलिस के जुल्म के ऊपर कई दिन से मैं बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन में जो है आवाम कोरोना से परेशान है, नौकरी नहीं है हमारे पास, हम इतने परेशान हैं, उसके बावजूद जो है पुलिस का जुल्म ख़त्म नहीं हो रहा है। साइबराबाद के एक पुलिस स्टेशन शमशाबाद के ट्रैफिक पुलिस वालों के इनके साथ जो जुल्म करे, इनकी जो दास्तान अगर आप सुनेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके भी आंख में आंसू आ जाएंगे। मोहम्मद सुबान जो है ताड़बन में रहने वाले, पेशे से ड्राइवर है और घर के जिम्मेदार है। 8 बहनें हैं इनको, 8 बहनों का एक भाई है ये। इन्हों जो है 15 तारीख के दिन सुबह में एक कुत्तूर की इनको सवारी मिली। शमशाबाद मार्केट से माल उठा के कुत्तूर पे डालने का था। इन्हों जा रहे थे तो पीछे से ट्रैफिक वाले आके इनकी गाड़ी की कुछ फोटो लिए, तो इन्हों आईने में, रिवर्स आईने में देखे इमीडिएट गाड़ी को स्लो करके साफ फोटो कहीं को ले रहे हैं साहब। पहले ही 8 दिन के बाद में मेरे को किराया मिला बोल के इन्हें ये बात बोले, तो उन्हें क्या करा, गाड़ी बाजू ले बोला इनको। इन्हों गाड़ी बाजू लेने के बाद में फिर एक और फ्रंट से फोटो लिया इनकी, तो इन्हें उतर के आजीजी करे तो इनको लंजा कोड़का बोला हूँ। तो इनको तेलुगु नहीं आती समझा, इन्हें इमीडिएट तेलुगु समझ के बोले साहब गाली कहीं को दे रहे हैं आप, माँ की गाली कहीं को दे रहे हैं आप। तो अचानक उन्हें क्या करा और दूसरे ट्रैफिक के कांस्टेबलों को बुला के इनके साथ हाथापाई करके इनके दोनों पीछे से हाथा मोड़ के इनको जो है लेके जाके शमशाबाद लाइन ऑर्डर पुलिस स्टेशन के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ट्रैफिक का PS है वहाँ पर लेके जाके पहले SI और 4 कांस्टेबल इनको मारे। बाद में जो है ट्रैफिक का इंस्पेक्टर शमशाबाद आया। आने के बाद में इनको कमरे में लेके गए, लेके जाके इनको ज़मीन पे लेटा के इनके ऊपर 4-5 पुलिस वाले बैठ के टायर की चप्पल से इनके तलवे से के इनको वहाँ पर मारे। मारने के बाद में इनके हाथ पे पूरा इनका हाथ तकरीबन फ्रैक्चर के वैसा कर दिए, इनका हाथ यहाँ पर मारे। मार के फिर इनको जो है इनके ऊपर एक केस बुक करे कि इन्हों जो है ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करे बोल के केस बुक करें इन पे करके लाइन ऑर्डर PS को दे दिए। वहाँ पर इनको लाइन ऑर्डर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में जो है 3 दिन रखे इनको। रोज बुलाना समझाना, तेरे जख्मा कम हुई तो मैं छोड़ता हूँ, और क्योंकि ये जिम्मेदार थे, रात में इन्हों नहीं आए तो इनकी माँ और बहनें परेशान हुए। परेशान होने के बाद में जब इनके फ़ोन पे कर रहे थे तो ट्रैफिक वाले फ़ोन उठा के ये बोल रहे थे ट्रैफिक पुलिस वाले कि तुम्हारा बच्चा कहीं घूम गया क्या, गाड़ी रख के चले गया, शमशाबाद में हम ला दिए, तुम्हारा बच्चा कोई चोरियों के केस में है क्या। तो ट्रैफिक वालों का काम था या लाइन ऑर्डर पुलिस शमशाबाद का काम था इनके वालिदैन को, इनके वालदा को, इनके बहनों को इतला करना कि भाई यहाँ पर है इन फलाना आओ आप बोल के, ये बच्चा बदतमीजी कर रहा, हम केस बुक करे बोलना था। वो नहीं करके ये लोग क्या करे, फिर दोबारा जो है 3 दिन तक इनकी वालिदा फिरते रहे। उसके बाद में कोई प्रेस वाले आए इनकी रेस्क्यू को, जब बात मीडिया में आने लगी तो इनके ऊपर एक केस बुक करके इनको बेल पे बाहर छोड़े। अब आप मुझे ये बताइए कि जो पुलिस वाले इनको मारे ट्रैफिक वाले, उसके ऊपर कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है लाइन ऑर्डर पुलिस स्टेशन में इनको 3 दिन तक लॉकअप में रखे, जबकि कानूनन जो है IPC सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ये है कि 24 घंटे के अंदर मुलजिम को पेश करना। कोरोना की तरफ से जो है ये जेलों में नहीं ले रही, अदालत नहीं चल रही बोल के नाके से बेल दे के छोड़ दे रही। तो ये क्या जुल्म हो रहा साहब, और ऊपर से लंजा कोड़का क्या है, तू पाकिस्तान को जा, अरे तेरे में गर्मी है, ये क्या है साहब, ये पुलिस की लैंग्वेज है, पुलिस स्टेशन है, ये RSS का दफ्तर है, क्या सरकार की नौकरी कर रही या RSS की नौकरी कर रही। तो ये वाकयात है। मैं हमारे सुबान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके साथ क्या हुआ, वाकया बोलिए बोलिए। मैं
अस्सलाम वालेकुम, मैं जो है मोहम्मद सुबान हूँ। मेरा घर जो है ना ताड़बन में है, खाजापारी। पेशे से मैं जो है ड्राइवर हूँ। मैं जो है आरामगढ़ से जो है मैं शमशाबाद जा रहा था गाड़ी लोड के लिए। तो मैं गाड़ी लोडिंग करे तो जो है ना ट्रैफिक पुलिस वाले जो है फ़ोटो खींचे। तो साहब एक फ़ोटो खींचे तो गाड़ी से उतार बोल के उतार के जो ना झिझोड़ दिया, झिझोड़ के ना सामने से फ्रंट से भी फ़ोटो खींच के जहाँ साहब बोल तो गाली दिए, लंचा गोल का बल्कि गाली देके जो ना बिल्कुल हाथा मेरे जो है पीछे बांधे गए। उनको जो है ना पीएस लेके गए। और मेरे बहना जो ना सात बहना मैं घर के जिम्मेदार हूँ। जो पीएस को ले जाके जो ना मेरे फर्स्ट फ्लोर पे ट्रैफिक वाले जो है ना मेरे ले जाके रूम में डाल के जो है ना मुझे मारे, भैसाना मारे, मार के जो है ना फिर सर्कल जो है ना उसका ट्रैफिक वालों का जो है सर्कल ट्रैफिक पुलिस वालों का सर्कल है ना उन जो है ना फिर आके जो है मेरे को लपर से ना मेरे तलवों पे पैर पे मारे और हाथों पे मारे, मार के दिलों के अंदर गर्मी बहुत रहे बोल के मेरे को पनिशमेंट दे के फिर तीन दिन तक मारते रहे, एक दिन मारे आधा घंटा कुछ जो है मेरे को जो रिपीटिंग करे, रिपीटिंग करके मेरे को लाइन पुलिस के ऑर्डर में जो है लॉकअप पे डाल दिए। डाल दे के जो ना दूसरे दिन जो है सर्कल जो है लाइन पुलिस वाले मेरे को पूछे कहीं क्या हुआ, बोले तो ऐसा सा हुआ, बोले तो मेरे मारे बोल के बताया। तो लैंड पुलिस वाले जो बोले ठीक है तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारी जो है बेल मैं कराऊंगा, बैठो तुमको छोड़ दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, तुम्हारा कुछ काम है तो बोलो बोल के मेरे को लॉकअप में राख डाल के 3 दिन मेरे को जो है वहाँ पे लॉकअप में रखे। फिर मेरे वालदा वालों परेशान हो रहे थे और मेरे क्या बोले लॉकअप में थे जब आप पाकिस्तान को जा गर्मी बहुत है जी, लॉकअप में था मैं। लॉकअप में रहने के बाद मुझे रात में मेरे पास 2 गार्ड आए सिविल ड्रेस पे, ड्यूटी खत्म हो गई थी ट्रैफिक वालों की, आकर मेरे को जो है ना पूछे कि क्या कर रहा है, नहीं बोले तो दूसरा पुलिस वाला बोला कि पुलिस श्रीकांत रेड्डी के ऊपर हाथ उठाए बोल के जो है ना हाथ उठाए बोल के बोले तो फिर अरे क्या रहे पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा था तो तेरे जो है जो है ना तुम लोग जो है पाकिस्तान चले जाओ बोल के जो ना मेरे को जो है वो बोले टॉर्चर करे अगर के मेरे बाद में जो है 3 दिन रख के जो है बाद में मीडिया वाले आए तो जो है फिर मीडिया वाले आए। अब आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है, आपका चीफ मिनिस्टर से महमूद अली साहब से, आप क्या इंसाफ क्या चाह रहे हैं, क्या मुतालबा है आपका? इंसाफ ये चाह रहा हूँ कि जो है ना ये जो कार्रवाई ये लोग जो मेरे को मारे ट्रैफिक वाले मारे जो है उनकी अथॉरिटी नहीं है मारने की, मारे सस्पेंड करो और जो है ये जो नाजायज और जो है रिलीजन के तालुक से जो है ना मेरे को ऐसा बोले आपके ऊपर जो केस बुक करे ना केस बुक करे मेरे ऊपर जो है ना केस बुक करके पेपरों पे साइन लिए, एक सादे पेपरों पे 8-10 पेपरों पे जो है मेरे से साइन लेने के जो है ना मेरे को जो है छोड़ा ठीक जी छोड़े मेरे को। ये पूरा जो है अभी अच्छा 14 दिन है कम है, दवा लगाए कम करा के साहब लाइन पुलिस वाले कम करा के भिजाने के इसमें जो है ना ये हाथ भी जो है ना खुल गया था और 14 दिन है बहुत बुरा मारे वो परेशानी तरीके से पैर पे भी है मारा है मत पता ठीक है इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर हमारे साहब और ये तमाम से मैं इंसाफ की उम्मीद रख रहा हूँ। ये जो शमशाबाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए उसके ऊपर जो है ये मजहब के नाम पे गाली गलौज कराएंगे, मुसलमानों के नाम पे मुसलमानों का दिलादारी कराएंगे और जो SI है और जो कांस्टेबल है ये पूरों को सस्पेंड करना चाहिए। ये देखिए आप एक चेहरे पे दाढ़ी 7-8 बहनों का जिम्मेदारी ने इसके साथ ये बदतमीजी करे और शमशाबाद ट्रैफिक पुलिस के तो इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं साहब, इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं, डेली रोजाना कंप्लेंट्स आ रहे हैं। वो बेचारा लॉ एंड ऑर्डर का इंस्पेक्टर बहुत अच्छा आदमी है हमारे चंद्रन गुप्ता करके गए वाले है वो बेचारे, इनकी तरफ से जो है उसको प्रॉब्लम हो जा रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ इंसाफ होगा जरूरी इंशाल्लाह। उधर पढ़ लो भाई एक मिनट थोड़ा सा।